नल जल योजना का मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में किया उद्घाटन। मधुबनी जिले पंडौल प्रखंड के दहीबत माधोपुरा पश्चिम में 100% कार्य का लक्ष्य पूरा होने और नल से पानी गिरने से जनता में खुशी की लहर। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह ने सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा 15 साल से बिहार सरकार अपराध को घुमाने की दिशा में काम कर रही है। बिहार में हत्या हुई, घोटाला हुआ, सभी को घुमाने का काम किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय दिलाने की मांग। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच पूरी कर चुकी एसआईटी की रिपोर्ट पर अब विजिलेंस पूरे प्रदेश में जांच करेगी। गृहमंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच लॉकडाउन के दौरान अनाधिकृत तरीके से बेची गई शराब मामले पर चली आ रही रार के बीच अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए अनिल विज द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर पड़ते गांव मुहार सोना से बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने गुप्त सूचना पर 450 ग्राम हीरोइन की बरामद। पाकिस्तान में बैठे हैं नशा तस्कर, बार बार भारत की सरहद में भेजते हैं नशे की शेप। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अगले आदेश तक किया गया बंद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया, गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारियों के कोरोना वायरस से पीड़ित पाए जाने के बाद किया गया सील। फाजिलका के विधानसभा हलका बलुआना के लोगों ने पानी निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं होने की वजह से आसमान के नीचे लगाया तंबू। हलके के विधायकों और प्रशासन की तरफ से किसी तरह के इंतजाम नहीं कराने के आरोप। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश आज प्रवास पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक से भविष्य में संचालित की जाने वाली ट्रेनों के संबंध में भी जानकारी ली। धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंधित चंबल बजरी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी को एक्सपोर्ट कर आगे ले जाते हुए एक कार को भी पकड़ा। ट्रक और कार से 4 बजरी माफियाओं को किया गिरफ्तार। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव नागर में चिकित्सक के इंजेक्शन से रिएक्शन होने पर 55 वर्षीय अधेड़ की हुई मौत। अधेड़ की मौत की खबर सुनकर डॉक्टर मौके से फरार। परिजनों ने पुलिस में की शिकायत, जांच में जुटी पुलिस।